तो अभी जो आप लोग स्क्रीन पर एक छोटा सा न्यूट्रॉन स्टार का टुकड़ा देख रहे होगे, अगर मैं इसकी वेट बताऊं तो आप लोग चौंक जाओगे, क्योंकि एक इतने ही छोटे न्यूट्रॉन स्टार का वेट है लगभग 100 मिलियन टन्स। अब वेल, ये इतना ज़्यादा वेट क्यों होता है और आखिर ये न्यूट्रॉन स्टार पैदा कैसे होता है, आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम सिंह और चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आखिर न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है। अब वेल, सबसे पहले मैं इसकी फिजिकल कंडीशन की बात करूं तो ये एक डेंस और बहुत ही छोटा स्टार होता है। डेंस यानी कि इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। एक नॉर्मल स्टार से कंपेयर करें तो इसका जो मास है होता है और डेंसिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इसकी ज़्यादा डेंसिटी होने के कारण इसके अंदर जो भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में ही कोलैप्स होकर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिस वजह से इस स्टार का नाम न्यूट्रॉन स्टार है। अब वेल, मैं डेंसिटी की बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ तो मैं आप लोग को बता दूँ, डेंसिटी को हिंदी में घनत्व कहते हैं। और डेंसिटी को अगर मैं डिटेल में समझाऊँ तो ऐसा समझिए कि कोई ऐसी वस्तु जो कि अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा मास को इकट्ठा करके रखी होगी, यानी कि उसका साइज तो होगा बहुत ही छोटा लेकिन उसके अंदर मास बहुत ही ज़्यादा होगा, उसे ही बोलते हैं कि उसका डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। वेल, ये न्यूट्रॉन स्टार्स को पहली बार देखा गया था 1967 में जॉकलिन बेल के द्वारा, जो कि इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर ये न्यूट्रॉन स्टार पैदा कैसे होता है, यानी कि ये न्यूट्रॉन स्टार हमारे यूनिवर्स में बनता कैसे है। दरअसल वो स्टार जो कि हमारे सन से 8 से 20 गुना ज़्यादा बड़े होते हैं, वैसे स्टार अपने अंत समय में आपस में ही कोलैप्स होने लगते हैं और वो कोलैप्स होते होते काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाते हैं और उनका जो आउटर लेयर होता है वो इस यूनिवर्स में लगातार छोड़ते जाते हैं, जो कि देखने पे काफ़ी हद तक सुपरनोवा ब्लास्ट के जैसे दिखता है, लेकिन ये सुपरनोवा ब्लास्ट होता नहीं है। ये स्टार कोलैप्स होके इतना ज़्यादा छोटे हो जाते हैं कि लगभग एक नॉर्मली मैं न्यूट्रॉन स्टार की बात करूं तो वो होगा सिर्फ 20 किलोमीटर का, लेकिन यही 20 किलोमीटर वाला न्यूट्रॉन स्टार का वजन हमारे इस सन से लगभग 1.4 टाइम ज़्यादा हो सकता है। और अगर मैं एक टीस्पून न्यूट्रॉन स्टार की बात करूं तो इसका वजन हमारे इस धरती पर मौजूद माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा होगा या माउंट एवरेस्ट के लगभग बराबर होगा। अब जैसा कि इसका मास और डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, उसी तरीके से इसका मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर करूं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से बिलियन टाइम्स ज़्यादा है, तो आप लोग सोच सकते हो ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है अगर इसके आसपास कोई भी वस्तु आ गया तो। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कि जो आप लोग के स्क्रीन पर अभी दिख रहा है एक टीस्पून का न्यूट्रॉन स्टार, उसका एक अप्रॉक्सीमेटली प्राइस कितना हो सकता है।